असलम जी एंड वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो जनाब थोड़ी सी डिफरेंट होगी थोड़ी सी फन होगी आई डोंट नो आई आई डू दिस टू माई सेल्फ बट आई एम गोइंग टू पुट माई सेल्फ इन एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन वन मोर टाइम मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पर पूछा कि मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछें जो लोग टिपिकली डिप्लोमैटिकली जवाब देते हैं जिनका सो अस्क मी अबाउट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स एंड बड़े मजे मज़े के क्वेश्चन भेजे हैं आप लोगों ने आई एम अ लिटिल स्केयर्ड अ लिटिल नर्वस एंड अ लिटिल एक्साइटेड टू आंसर दीज क्वेश्चन ड्राम पे बहुत क्वेश्चन आए हैं इस दफ़ा इसलिए क्योंकि आई एव रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग लॉर्ड ऑफ ड्रामाज और uh, मेरा तो काम ही है कि मैं ड्रामाज देखने के बाद जो है वो इंस्टाग्राम पे जाके अपना ओपिनियन देना ज़रूरी समझती हूँ एंड सो येस्ट मैंने इतनी स्टोरीज़ बनाई ऑन आखिर कब तक And someone left a comment that you should make a drama series on your channel too. And I was like, that's a fun idea. So leave your thoughts in the comment section down below. Mujhe drama chahiye apne channel pe. How many of you are into the dramas and how many of you would enjoy it? So let me know. Bye, Baharal. Uh, बड़े मज़े मजे के क्वेश्चन भेजें आप लोगों ने मैं सात से आठ का जवाब दूंगी बट इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो आई लाइक चैट सो ग्रैब अ कप ऑफ टी स्नैक कहवा यू स्नैकवाट मैंने सोचा था चाय बना के ये वीडियो बनाऊंगी लेकिन आई फो गॉड सो चलें अब बगैर चाय की वीडियो बनाते हैं लेट्स जंप राइट इन द फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये जो पहला सवाल है ना ये बहुत दफ़ा आया है मुझे ये एक दफ़ा नहीं आया एंड दिस इज दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेंट मी एंड आई वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन द वर्डिंग ऑफ दिस मैसेज

this one like tbh it's just like i feel cringe um i don't know like what sense does it make tbh stands for to be honest nahin? to be honest mariam barbaise what does that mean am i the only one who gets that cringy on this like wording please again no offense to the one who sent it i know you wanted to be short with your response but i mean you know you you know my feelings now so this one i'm nervous answering isliye uh jo when it comes to mariam parvez both the groups the haters and the like supporters are intense so i mean if i say anything negative these these, these people are going to come after me so i'm gonna have to brace myself for that so acha mariam parvez as a person comment i know her through a screen jaise aap log through a screen like as an influencer i have my opinions on her and some of them are good some of them are like not so good um to obviously she is very talented she is very relatable isliyusnebary audience are critical of yegia bohatzai paid pr and boxing and like people have a lot of opinion on that शुरू शुरू में मुझे अजीब लगा था आई वुड से शुरू शुरू में जब पेड अनबॉक्सिंग्स का मुझे पता चला था तो मुझे ये आइडिया अजीब लगा था इसलिए क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई ओनली कंज्यूम्ड वेस्टर्न यूट्यूबर्स और अमेरिका में कुछ यूट्यूबर्स इस तरह करते हैं कि वो प्रोडक्ट रिसीव करने के भी पैसे लेते हैं एंड ऐसे यूट्यूबर्स पे पीपल लुक डाउन अपॉन दें इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर थिंग फॉर पीपल टू डू लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने ये रियलाइज़ किया शुरू में लाइक ए सैड मुझे अजीब लगा वक्त के साथ साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर जगह के हर मुल्क के अपने डायनामिक्स होते हैं पाकिस्तान में इस चीज़ की वैल्यू है जब किसी को कोई कंपनी चीज़ भेजती है तो वो इतना बड़ा एक्सपोजर है फॉर दीज ऑनलाइन बिजनेसेस कि यहाँ पे थिंग्स वर्क डिफरेंटली और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने इस वैल्यू को समझ भी लिया अप्रिशिएट भी किया सो मुझे पर्सनली पी आर अनबॉक्सिंग से कोई मसला नहीं है चाहे वो साठ हज़ार ही क्यों नहीं चार्ज करती आई पर्सनली डोंट हैव एन इशू विद दैट इसलिए क्योंकि आई नो कि जो बिजनेसिस उसको साठ हज़ार का पी आर भेजते हैं वो उसमें से फिर लाइक मोर देन अ मिलियन कमाते होंगे एक दफ़ा की पी आर अनबॉक्सिंग भेजने से सो आई डोंट हैव इशू विद दैट आई नो इट्स एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट मुझे उसमें बिल्कुल इशू नहीं है जिस चीज़ में मुझे एतराज़ है वो ये है कि अगर आप उसके कंटेंट को एज अ होल देखो अब तो नाउ शी इज़ माशा एक्सपेक्टिंग तो इस वक्त आप उसको वो मार्जिन दे सकते हैं लेकिन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं ये नोट करती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट दी अनबॉक्सिंग अगर आप उसका इंस्टाग्राम टाइम लाइन देखें तो इट्स ऑल अबाउट स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट पहले वो उसको अनाउंस नहीं करती थी शी वुड नॉट विच वॉज अनादर इशू दैट आई हैव बहुत सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुंस नहीं अनाउंस करते बट इट्स अ स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट और अ लाइक पेड पार्टनरशिप उसकी अनबॉक्सिंग इसी तरह ज़ाहिर अनाउंस नहीं होती कि दे आर स्पॉन्सर्ड लेकिन लाइक हर फीड यू इन्फ्लुएंस पीपल यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी एक जॉब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू योर ऑडियंस कि आप अपना ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन दें वन ऑल यू डू ए स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट एवरी सिंगल पोस्ट ऑन योर इंस्टाग्राम इज़ ईदर फॉर योर ओन ब्रांड और इट्स अ स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट एवरी स्टोरी यू पोस्ट अबाउट अ प्रोडक्ट इज अ स्पॉन्सर्ड स्टोरी वेरी रेयरली लाइक पिछले डेढ़ साल से मैं शायद उसको फॉलो करी हूँ एंड इन डेढ़ सालों में वेरी रेयरली हैव आई फाउंड अ प्रोडक्ट जिसके बारे जिसप उसने खुद पैसे लगाए हैं एंड वो उसके बारे में अपना ओपिनियन दे रही है पर्सनली आई फील लाइक एज एन इन्फ्लुएंसर वी हैव बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन दैट उसके अलावा द सेकेंड थिंग आई थिंक के जब मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स लॉन्च हुआ पहली uh, जो उसकी लॉन्च थी उसमें शी डिड नॉट सेंड एनी प्यार पैकेजेस एंड ऑलमोस्ट ऑल द इन्फ्लुएंस बॉट हर पैलेट सब ने उसके लॉन्च को सपोर्ट किया सब ने उस पर पैसे लगाए चार हजार रुपये की वो पैलेट थी सब ने उसको ख़रीदा अपने पैसों से सब ने उसको रिव्यू किया इट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट एज ए कम्युनिटी पीपल शोड इट्स अ कर सी दैट पीपल शोड टूअर्ड्स आई एम नॉट सेंग शी नीडिड इट She's a big influencer. She doesn't need support from all these influencers, but they still gave it to her. I believe, like, like I said, I don't videos all her videos. But a, it is my impression. It be wrong. That I never her supporting any other influencer support. Like Mahin Sharik just launched her brand. I've never seen her talk about menricon She has talked about it when it is a sponsored PR unboxing. I've not seen her talk about. Talk about

She looks like a great person. She looks like a very good mother, a very good wife, a very good daughter in law. Like, she looks like a pretty awesome woman to be honest. She is a superwoman. She's like nine months pregnant, still doing her like job, still being a mom, still being a businesswoman, still being an influencer. I don't know how she's doing it. But she's been doing it for the last 9 months. Like she is a superwoman. She's And So I mean, I'm pretty sure she's an awesome person. But honest opinion, so in my honest opinion and in my humble opinion, which could 100% be wrong, um, there are aspects of her as a social media influencer that I don't 100% agree with. So yeah. ये छोटी सी ही दस मिनट की कहानी थी ऑन माई ओपिनियन ऑन मैरियन अच्छा जी अब मेरे पास दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपस में थोड़ा सा रिलेट करते हैं एक उनमें से ड्रामे से रिलेटेड है और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है सो so, मैं पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में जवाब दे दूंगी फिर हम थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन में जिना मुझसे किसी ने पूछा है आई एम री फ्रेजिंग कि मेरे ओपिनियंस क्या हैं अबाउट एन ओल्ड वुमेन गेटिंग मैरिड टू अंगर बॉय एंड यार मेरे ओपिनियन मैटर नहीं करते लाइक फॉर दिस सर्टन क्वेश्चन जब हमारे रिलीजन ने एक चीज़ को ले आउट कर दिया है हमारे लिए एक इतनी अच्छी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पलरी मैरिज एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली मैरिज हमें दिखा दी है इन द लाइफ ऑफ द बेस्ट ह्यूमन ऑन अर्थ तो फिर हम इसको इस आइडिया को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ हाउ डू वी आस्क दैट क्वेश्चन कि मेरा क्या ओपिनियन है या तुम्हारा क्या ओपिनियन है आई डू बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि हम एज ह्यूमन बींग्स बड़े लाइक like, हम टू फेस्ड होते हैं एंड ऑब्वियसली आई एम जर्नलाइजिंग हेयर सब लोग ऐसे नहीं होते लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कल्चर और रिलीजन को पकड़ते हैं जहाँ हमें सूट करता है लोगों को शेम करना ऑन द इन द नेम ऑफ रिलीजन वहाँ हम उनको इन द नेम ऑफ रिलीजन शेम करते हैं और जहाँ चीज़ रिलीजन के मुताबिक होती है uh, लेकिन हमें हज़म नहीं हो रही होती वहाँ हम उनको शेम करते हैं इन द नेम ऑफ कल्चर एंड दैट्स वेरी ट्रू फॉर like marriages where the girl is like older than the guy कि हमारे पास हमारे religion में एक example laid out है लेकिन हम judge करते हैं ऐसे लोगों को I personally believe कि कोई judgment की गुंजाइश रह नहीं जाती when it's like very crystal clear in our religion if the, there is nothing wrong with the intention and the like intention is pure तो फिर कोई मसला नहीं है इसमें I personally think कि ना कोई मसला है और ना कोई मसला होना चाहिए if like लड़का 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 लड़की राजी तो फिर you should not जज दीज पीपल बिकॉज लाइक इट्स पमिसिबल इजाज़त है इस चीज़ की और हमारे पास एक इतनी अच्छी एग्जाम्पल मौजूद है उसके अलावा मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था वाट आर योर ट्रू ओपिनियंस ऑन दोबारा एंड देयर रिलेशनशिप सो ऑब्सली अगर आप दोबारा नहीं देख रहे तो ये क्वेश्चन आपके लिए वैलिड नहीं।, नहीं, आप नहीं है मैं नीचे बाई द क्वेश्चन के टाइम मार्क्स भेज भी स्टैम्प स्टैम्प छोड़ दूंगी ताकि जिन क्वेश्चन में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उन क्वेश्चन को स्किप कर सकें सो जनाब वॉट आई माई ओपिनियंज ऑन दोबारा आई एम लविंग दोबारा आई थिंक एक तो एक्टिंग सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ साथ एक मेन स्टोरी लाइन तो चली रही है विच इज़ डिफरेंट यूनिक वही एक घीसी बिटी कहानी एक लड़का दो लड़कियाँ साजिशें चलाकियाँ वो कहानी नहीं चल रही है एंड उस एक स्टोरी के अलावा छोटी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी मैसेजेस uh, हैं इतनी सारी आपको uh, आईने दिखाए जा रहे हैं कि आप एज़ ए सोसाइटी क्या क्या करते हैं किस किस मौके पे हम जज करते हैं क्या क्या हमारे कल्चर में मसले हैं राइट फ्रॉम दी स्टार्ट जब जो है वो पोपो uh, कहती हैं कि उसके लेवल का पता नहीं क्या नाम है ना उसका हदायतल के लेवल का उसका उसके कुल होंगे द काइंड ऑफ वैल्यू वी गिव टू दीज काइंड ऑफ दुनियादारी वाली चीज़ें एंड लाइक like, बेवा को कैसे एक्ट करना चाहिए अगर कोई उसका हस्बैंड मर गया है तो दिस इज़ समथिंग जो हमारे कल्चर में है इट्स नॉट इन आर रिलीजन हम क्योंकि इतना अर्सा सब कॉन्टिनेंट में रहे हैं इंडियंस के साथ रहे हैं हिंदुओं के साथ रहे हैं जिसमें औरत को सती कर दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ तो हमारे कल्चर में इंग्रेंड है ये आइडिया कि मर्द की या हस्बैंड की वफात के बाद औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है एंड हम उसको लेट गो नहीं कर पा रहे सो इवन दो हमारा रिलीजन इनक्रेज करता है ना सिर्फ इजाज़त देता है इनक्रेज करता है कि जब किसी औरत का शौहर मर जाए वो बेवा हो जाए तो उसको दूसरी शादी की तरफ लाया जाए उसकी दूसरी शादी की जाए बजाय इसके कि हम उस आइडिया को फ्लोट करें या अप्रिशिएट करें हम जज करते हैं कि ऐसी औरत को जो लाइफ की तरफ वापस आ जाए सो लाइक हम हम सिर्फ उसको अप्रिशिएट करते हैं अगर किसी जवान औरत का हस्बैंड फौत हो जाए और हम उसे पुश करें चाहे वो मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं प्रिपेयर्ड दूसरी शादी के लिए लेकिन हम जब उसको हमारी कन्वीनियंस पे होता है कि नहीं इसको सहारा चाहिए हम सुकून से फौत हो जाएं ताकि हमारी बेटी का कोई दोबारा घर बस जाए तब हम एक बेवा की उसकी शादी फोर्सफुली भी करा देते हैं लेकिन जब जिस वक्त हमें हज़म नहीं हो रहा होता तो उस वक्त हमें हज़म नहीं हो रहा होता सो देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन दोबारा जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया है हमें आईना कराया है कि हम एज़ एज सोसाइटी किस किस मौके पे अपने इर्द गिर्द के लोगों को जज करते हैं और जो उनका रिलेशनशिप दिखाया है दोबारा फिलहाल उसमें देर इज़ नो रोमांटिक एलिमेंट इन इट एंड आई नो दैट इवेंचुअली दे विल गेट मैरिड एंड दे विल बी रोमांटिक एलिमेंट इन इट बट आई डोंट फाइंड एनी थिंग रॉन्ग विद इट लाइक आई सेड कि जब एक रिलीजन ने एक ग्राउंड हमारे लिए डाल दिया है तो फिर उसमें गुंजाइश नहीं रह जाती किसी और बात की सो आई वेरी मच लाइक आई एम ऑल फॉर देयर रिलेशनशिप आई थिंक दे बोथ नीड इच अदर दोनों दोनों की जो बैक स्टोरीज दिखाई अगर शुरू से एक रोमांस दिखा रहे होते ना तो इट वुड हैव बिन क्रिंज वर्ड नाउ दिट शोन लाइक बहुत ब्यूटिफुली डायरेक्शन uh, बहुत अच्छी है कि बड़े खूबसूरती से स्टोरी लाइन ऐसे लाई गई है कि दोनों की एक एक बैक स्टोरी है दोनों एक दूसरे को द नीड ईच अदर एंड वी कैन सी दैट And we have a soft corner for both of them, so I personally don't find anything wrong in their relationship, and I think like it's such a good drama. It's one of my favorite favorites right now. So, Jana, this next question that I have is: What do you think of models and or actors marrying older men or divorced men? For example, Ghana Ali. So I have no clue who Ghana Ali is, and I have no clue who he, who she married, uh, or who he married i think it's a she anyways um so divorced mein i don't think there's a problem i i don't think there's any problem but if it's a married guy then yeah it's questionable especially agar intentions questionable If it's like a clear cut cheese ji. it's a young girl marrying an older man the obviously intentions ki importance important so if it's like getting s it's just my opinion obviously like if people are getting married for the right reasons they want companionship yeah they like each other that's a different story but if someone is marrying someone else for the money for the greed obviously ikka che intention then to obviously so in that case obviously in my opinion that's not right jahan the guy is already married and he's having an affair and he is like marrying a younger girl एंड शी इज़ मैरिंग हेम नोइंग शी ही हैज़ एन अदर वाइफ तो फिर दैट इज़ ऑबियसली मॉरली एथिकली सोशली हर तरीके से गलत चीज़ है वो स्पेशली um, हमारे यहाँ बड़ा ट्विस्ट किया जाता है इस आइडिया को जी कि मर्द को चार शादियाँ अलाउड हैं uh, मर्द को चार शादियाँ अलाउड हैं लेकिन उसके साथ ही अल्लाह ताली ने शर्त रखती है कि अगर तुम इंसाफ कर सको एंड ही नोज़ उसने क्या बनाया है वॉट इज़ हिज क्रिएशन लाइक सो राइट देर एंड देन ही टेल्स यू कि बेशक तुम इंसाफ नहीं कर सकते सो इफ द गाई इज ऑलरेडी मैरिड एंड ही इज़ मैरिंग अंग गर्ल तो फिर दैट्स ऑबियसली एथिकली मॉरली हर तरीके से इस्लामिकली गलत है इस्पेशली इफ यू कैन नॉट डू जस्टिस तो वो गलत है बट दैट्स जस्ट एन ओपिनियन ये मैं बैठ के दिल में समझ सकती हूँ कि गलत है मेरी ज़िंदगी को इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है एब्सोल्यूटली नो फर्क एट ऑल मुझे किसी की किसी से शादी कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सो वुड आई बी मूवड इनफ टू लाइक गो ऑन दी इंटरनेट टू दोशल मीडिया ऑफ दिज एक्टर्स एंड सेलेब्रिटीज़ एंड स्पी हेटेड ऑन देयर सोशल प्रोफाइल्स एब्सलुटली नॉट आई एम नॉट लाइक आई वॉन्ट बी दैट मूवड और इंटरेस्टेड और कंसर्नड मेरी ज़ात को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ap in the giejo those are more important to address so um, like an, I can hold an opinion, but I would never do anything about it so yeah that 's my answer to that question umskevanov the next question that I have let 's take another drama related question thoughts on prank channels do you think these pranks are planned absolutely one hundred percent I think these Pranks are definitely planned. Um, my thoughts on them, I'm not interested. I don't watch these uh, like videos. I'm not into them. So those are my my opinions. Like some of them are executed well and they're funny. But um, it's not a genre that I'm interested in or that I like look on YouTube for. Um, but yeah, I definitely think they are planned. Koi No doubt in my mind about it. These pranks are a hundred percent planned. Ajaji, another question Do you think Aswad deserves a second chance with Mehreen? So, this question is from sajje the If you're not watching the drama, you can skip to the next question. Um, yeah, I. <laughs> I might get a lot of like bashing for it because I know people are very polarized when it comes to Aswat. Um, my opinion, in my opinion, everyone deserves a second chance. And let me explain that. Aswat ka jo ek character no na, the way his character starts. His character starts as a very charming boy. He's a very caring son. He actually in childhood he actually cares about Mehreen a lot. He's a good boy. उस तरह का दिखाया है ही इज़ नॉट अ हेबिचुअल अब्यूज़र वो लाइक like, अपनी माँ के साथ अच्छा है और लोगों के साथ अच्छा है ही सीम्स लाइक अ नाइस गाय बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आई विश कि वो उसकी कोई बैक स्टोरी दिखाते वाई ही इज़ एक्टिंग द वे ही इज़ एक्टिंग ही इज़ डेफिनेटली अब्यूज मेहरीन आई एम सो ग्लैड कि फाइनली आखिरी एपिसोड में मैं अपनी बहन के साथ मजाक करी थी कि ये जो आखिरी एपिसोड इन्होंने दिखाई है ये इतनी गाल गालियाँ मिली हैं इस इस लाइक शो को ओवर द लास्ट थ्री और फोर एपिसोड्स फॉर द वे देव ड्रैक द ड्रामा कि उन्होंने अब अगली ही चार एपिसोड्स के अंदर से जो जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो घुसा के उन्होंने एक ड्रामा एपिसोड निकाल दिया है बिकॉज लाइक एवरी थिंग हैपन इन दिस वन एपिसोड बहुत कुछ हो गया बट आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने ये दिखाया दिखाया है थ्रू दैट कन्वर्सेशन विद दी साइकेट्रिस्ट के अब्यूज़ के बहुत सारे फॉर्म्स हैं एब्यूज सिर्फ बिकॉज दे मेड इट अ पॉइंट कि असवद ने कभी हाथ नहीं लगाया मेरी इन को लेकिन दे हैव स्टिल शोन कि अब्यूज़ किया जा सकता है विदाउट गाय लाइक गाली भी ना दे आपको और आपको हाथ भी ना लगाए फिर भी यू कैन बी इन अ साइकोलॉजिकली एंड लाइक इमोशनली रिलेशनशिप सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने इस दफा डिस्कशन की कि असवद नीड्स ट्रीटमेंट लाइक अ नॉर्मल गाय इवन दो आई एम सेंग के असवद का अब्यूज़ सीम्स टू बी अ सिचुएशन वाला अब्यूज़ लाइक इट्स पर्टिकुलर टू दिस सिचुएशन लेकिन ही हैज़ अ टेंडेंसी फॉर अब्यूज बिकॉज नॉर्मल मैन अगर कोई अच्छा इंसान हो अच्छा मर्द हो एंड ही इज़ पुट इन दैट सिचुएशन तो लाइक माई सिस्टर पुट इट कि ही वुड गो फार लाइक ही वुड गो बैक टू अमेरिका एंड ही वुड बी लाइक आई डोंट एवर वॉन्ट टू कम बैक आई डोंट एवर वॉन्ट टू सी यू गाइज अगैन इफ लाइक ही वॉज इमोशनली अटैच टू अ मशल एंड ही बिलीव्ड दैट अ मेहरीन किल्ड मशल एंड हिज मदर इज़ साइडिंग विद मेहरीन तो एक अच्छा लड़का एक नॉर्मल लड़का वुड प्रॉब्ली गो फार फार अवे एंड वुड नॉट वॉन्ट टू सी दैम एवर अगैन So there is something wrong with Aswad to go to the extents that he has gone to. To marry Mehreen, Usko Ked karna. And I think like I'm such a huge fan of Ameer Ahmed, but like please don't mind me saying that. This was definitely not a good piece of writing from her uska novel. Padha hai, and I think I read a summarized version of it. Like in diary readings, 1980s are reading novel. Hai, Sara ka Sara. एंड उसके अंदर जो दिस इज़ नॉट इवन हाफ द अब्यूज़ जो उन्होंने ड्रामा में दिखाया है इन द नावल ही मेक्स अ स्लीप ऑन द फ्लोर ही डज नॉट लेट हर सी सन लाइट फॉर मंथ्स मतलब इतने महीने तक वो बाहर सूरज की रोशनी नहीं देखती क्योंकि वो लिटरली उसको कैद कर जाता है ही डज़ नॉट अलाउ हर टू सी हर मदर जब उसकी माँ मर जाती है उसको जानने नहीं देता लाइक द एक्सटेंट ऑफ अब्यूज इन द नाल इज़ आउटरेजियस एंड आई डोंट गेट द पॉइंट ऑफ द नावल आई डोट ड्रामे में डेफिनेटली स्मॉल मैसेज जो उन्होंने आपके लिए छोड़े हैं पूरे ड्रामे में डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले चार पाँच एपिसोड बहुत ज़्यादा ड्रैक थे लेकिन नावल पॉइंटलेस था एंड इट वॉज आई थिंक दर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम अमेर अहमद आई हैव रेड एवर तो एंड द नावल एंड हेयर जो ये लास्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ है आई थिंक नेक्स्ट अपिसोड में आसरद को डायरीज मिल जाएंगी एंड द ड्रामा एंड सेयर देर इज़ नी नो रिकनसिलियेशन देर इज नो रिग्रेट मतलब रिग्रेट इंडिकेट कर दिया गया है बट इट्स लाइक दैट्स द एंड ऑफ द नावल एंड इट्स लाइक वट इज द पॉइंट ऑफ दिस नावल जब मैंने नावल पढ़ा था तो आई वॉज लाइक वॉट द हेल इज़ दिस नावल सो ड्रामे में ऐसा नहीं है डेफिनेटली एंड जो आपका ओ एस टी है वेदर वी लाइक इट और नॉट अद एंड महरीन आर गोइंग टू एंड अप टुगेदर क्योंकि ओ एस टी में महेरन का ये डायलॉग है तो वादा करो मुझसे तो मुझ दोबारा मुझे डूबने नहीं दोगे एंड ये वाला डायलॉग डेफिनेटली विल कम वन अवद इज़ गोइंग टू से सॉरी एंड थिंग्स लाइक दैट नाउ कमिंग टू वैदर नॉट आई थिंक असवद डिज़र्व अ सेकेंड चांस देखिए इश्क का आई थिंक इस तरफ़ की एपिसोड में एक डायलॉग था कि तुम इंसान को उस तरह से माफ़ करो जिस तरह तुम अल्लाह से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें माफ़ करेगा सो अलमिया हमें कब माफ़ करता है जब हम हंड्रेड परसेंट लाइक ऑथेंटिक रिग्रेट अपने दिल में लेके माफी मांगते हैं एंड वैन वी प्रामिस टू चेंज आर बिहेवियर तो अलमिया हमें माफ़ करता है एंड आई बिलीव के एवरी वन डिजर्व अ सेकेंड चांस स्पेशली समन लाइक असव जिसकी बैक स्टोरी में ही इज इंट एन अब्यूज इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद हिम बिकॉज द वे ही एक्टेड नॉट एवरीबडी एक्ट्स लाइक दैट So, he maybe needs help with his anger management. He maybe needs help with some of his own issues. And I hope he goes into therapy and do all of that. Because he needs help too. And there's definitely, I Disco there are the traumas and she needs help herself. But I think a lot of that help, like she loves Aswad. And he was her best friend. Bajpanse. And she has no other relationship in her life. So, I mean, Aswad is going to. In my opinion, going to be a very integral aswat ka pyar and Aswad ki tawajjo and aswat ka saath will be a very important part and it will play a very important role in the recovery and rehabilitation of Mehreen's character. So, like, I think he does not deserve a third chance. Absolutely not. He does not deserve a third, fourth, fifth chance. To a habitual abuser, or just abuse ke cycle, mein phas mulk mein, they give their husbands. Or their like fiancés, or the men in their life, thousands of chances to keep abusing them. I believe that Aswad does not deserve a third chance, but a second chance, I think he deserves it, and I think he's going to get it. Like whether we like it or not, um, I think he's going to get it because um, Aswadkar, like I said, character has shown He has the potential to be the good guy. Um, he has his own issues, and he can like if he works on them in therapy. एंड आई रियली लाइक इट कि उन्होंने ये मैंशन किया कि उसको भी थेरेपी की ज़रूरत है जो नादी हुसैन ने सीन पे किया था तो आई थिंक के इफ दे शो प्रॉपर्ली शो असवद रिग्रेटिंग इफ दे शो अ प्रॉपर ऑथेंटिक अपोलॉजी फॉलोड बाय सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी देन आई थिंक दे हैव अ चांस ऑफ बींग अप्पी कपल टूगेदर एंड ऑफ कोर्स मेहरीन नीड्स थेरेपी इन हर ओन वे टू गैद थ्रू द Lifetime of traumas and I think Aswad as a good partner will play a very integral role in her recovery. So um, yeah, I think one more chance for be aja but not more than that. He if he continues to show that kind of tendency, obviously, वहाँ तक drama but like for someone like Aswad, if he had a real life Aswad, then that person would deserve, in my opinion, could be given a second chance. बट नॉट अ थर्ड चांस फोर्थ चांस थर्ड फोर्थ चांस की बारी नहीं आनी आनी चाहिए अ सेकेंड चांस हर एक को जिंदगी में एक दफ़ा मिलना चाहिए क्योंकि लाइक इट्स अ मिस्टेक एंड कर सकता है कोई भी कर सकता है एंड इफ दे ट्रूली रिग्रेटेड एंड इफ दे ट्रूली चेंज देन वाई नॉट आई मीन अ सेकेंड चांस आई थिंक दिया जा सकता है माई सिस्टर डिज़ नॉट एग्री विद मी ऑन दिस बिकॉज हर स्टैंडर्ड हर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ के If we give him a second chance, then we are make, making him, an, him a hero at the end. And a person like that should not be made a hero. Um, and I kind of agree to some extent. But I think they should really show a transition into a hero. And I think they episodes They should have And they should have shown like this progressively. They should have changed Aswad into a hero gradually. ये जो उन्होंने इतनी सारी एपिसोड्स आया करके अब अचानक इनकिशाफ किया है नब अगली दो एपिसोड्स में उन्होंने ड्रामा रैप अप करना है तो इट्स गोइंग तो टू बी अ चेंज लाइक दैट एंड वो लोगों को हजम नहीं होगा फिर सो इट आई थिंक इट शुड हैव बीन अ मोर ग्रेजुअल थिंग बट या दैट्स माई ओपिनियन ऑन दैट अच्छा जी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई so, yeah, है सो आई टेक वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई एंड द वीडियो एंड ये क्वेश्चन है कि ग्लैम गर्ल्स के, के प्रोडक्ट्स में से आपके सबसे लीस्ट फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई किए मैंने उनके एंड सम प्रोडक्ट्स आई आई डोंट क्वाइट लव्ड बट इस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं आ रहे लेट मी थिंक दे प्राइमर आई रियली लाइक दे एयर रियल सीरम फाउंडेशन आई लव दे पॉट फाउंडेशन आई लाइक देयर पाउडर आई लव दे एयर कंसीलर आई लवर उनका जो उनकी दो व्हील्स हैं मेरे पास एक उनका व्हील है जिसमें हाई हैं आई लव दैट वन एंड एक उनका व्हील है जिसमें एक कंसीलर है एक ब्लश है एक हाईलाइटर है एक फाउंडेशन है उसमें अगेन हाईलाइटर आई लव बाकी के प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं किए थे उनके लिप um, टिंट उनका मैंने एका दफ़ा लगाया लिप ट्रिंट एज एज अ प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं है या मुझे शायद लगाना नहीं आता सो लिप ट्रिट्स मैं वैसे ही नहीं एन्जॉय करती सो लिप ट्रिंट उनका मैंने इन्जॉय नहीं किया ग्लिटर उनके वो आर फाइन um, आई रियली डोंट हैव अ प्रोडक्ट इन माई माइंड जो आई रियली डोंट लाइक फ्रॉम ग्लैम गर्ल्स पता क्या बात है ग्लैम गर्ल्स की ब्रांडिंग बहुत लाइक इट्स चीप ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स उनके सस्ते होते हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे पसंद हैं उनके सो आई थिंक दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पैकेजिंग और उस वजह से पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग इन ऑल ऑफ़ दैट और उस वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को सही तरह ब्रांड नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड देव अ वेरी चीप आउटलुक अबाउट दैम बहुत सारे लोगों को उनके प्रोडक्ट्स देख के इवन मी माई सेल्फ बनाई गोद देर प्रोडक्ट्स एनाई टचते हैं एनाई फैलते हैं तो आपको एक चीप वाइब आती है उनके ब्रांड से बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक आई आई डोंट क्वाइट हो सकता है ज़रूर हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा हो लेकिन इस वक्त मेरे जेहन में ऑनेस्टली नहीं आ रहा है इट्स नॉट लाइक आई डोंट वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन I honestly cannot think of a product जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनका Like personally मुझे इस वक्त जितने products याद आ रहे हैं of them I really really like लाइक उनके जो translucent powders हैं आई लव दैम लाइक दे आर सो गुड their Real सीम Foundation अभी मैंने कल पर्सनों लगाई हुई थी बहुत अरसे बाद लगाई थी I like using it in the winters गर्मियों में मुझे लगता है वो थोड़ा सा सांस नहीं लेने देती स्किन को लेकिन आई लव दैट वन इन द विटर्स एंड माई स्किन लुक सो गुड इतने अर्से बाद लगाई तो मुझे बहुत मज़ा आया वो फाउंडेशन यूज़ करके उनका कंसीलर भी अच्छा है लेकिन कुछ अर्से के बाद ड्राई डाउन सा हो जाता है सो उसमें वो ब्लेंडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है लेकिन अगर आप जल्दी से यूज़ कर लो उसको तो राइट ऑफ द बैट वो पैकेज में बहुत अच्छा है मेरिकल कंसीलर सो ऑनेस्टली आई कैन नॉट थिंक राइट ना ऑफ अ प्रोडक्ट आई डोंट आई रियली डिसक फ्राम ग्लैम गर्ल्स बट आई एम श्योर देर इज सम लाइक I do have I do remember having products from their line that I did not like like. Um, so anyways guys, that is it for today's video <laughs> Yeti Ajki video. I hope you guys enjoyed it. If you did please do not forget to give this video a big thumbs up. Let me know your opinions on the things that I answered today. Feel free to give your opinions in the description box below, but remember to always be kind and gentle towards me and towards the other people in the comment section as well <laughs> what are your thoughts on a drama corner on this channel? Let me know how many of you would be interested in that and yeah, that is it for today's video. I'll see you guys in my next one Allah Hafiz!